चलो समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है रेल सेवक पास नियम। रेल सेवक पास नियम मतलब रेल में जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, मतलब आप लोग सभी लोगों को क्या मिलता है भाई, पास मिलता है। पास नियम जो आपको दिया जाता है वो किस कब पारित हुआ, किस नियम के तहत, तो वो नियम है 1986, रेल सेवक पास नियम 1986। ठीक है, अब देखो उसके तहत हम लोगों को सुविधाएं दी जाती है दो चीजों। पहली चीज या तो पास मिलता है या तो पीटीओ मिलता है। क्या मिलता है? पास या पीटीओ। अब पास क्या होता है भाई? रेल प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को जारी किए जाने वाला वह प्राधिकार पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को भारतीय रेल पर निशुल्क यात्रा के लिए अधिकृत किया जाता है। मतलब पास क्या होता है? रेलवे प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी निजी जर्नी के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत यात्रा के लिए, एक पूरे भारत में यात्रा करने के लिए एक निशुल्क क्या अधिकृत किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? एक प्राधिकार पत्र दिया जाता है, उसे ही क्या कहेंगे? पास। सिंपल सा है कि जिसके तहत आप पास लेकर पूरी इंडिया में कहीं पे भी निशुल्क यात्रा कर सकते हो। यही अगर दूसरी चीज बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पीटीओ। क्या बोलेंगे उसे? पीटीओ। पीटीओ मतलब क्या होता है? सुविधा टिकट पास। पीटीओ का मतलब क्या होता है? सुविधा टिकट पास। अब इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होगा कि रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारी को जारी किया जाने वाला यह प्राधिकार पत्र जिसे एक तिहाई किराए का भुगतान करने पर टिकट में बदला जा सकता है, सुविधा टिकट आदेश पर टिकट में बदले बिना यात्रा नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखो जो पास होता था वो आपको क्या था? एक अधिकार देता था, एक प्राधिकार पत्र होता था जिसको लेकर आप पूरे भारत में कहीं पर भी निःशुल्क यात्रा कर सकते थे। लेकिन पीटीओ क्या होता है? इसमें आप पूरा किराए पे नहीं करोगे, इसमें 1/3 किराए पे, जितने भी आपकी जो भी आपको किराया वहाँ पे टिकट है उस जहाँ पे आप जर्नी करें उसको जितना भी किराया होगा उसको 1/3 किराया देकर आप क्या कर सकते हो? यात्रा कर सकते हो। पीटीओ में स्पेशल कंडीशन है कि पीटीओ में जब तक आप टिकट नहीं कटाओगे तब तक आप यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन पास में ऐसा होता था कि बिना टिकट कटाए भी आप यात्रा उस पास को लेके भी यात्रा कर सकते थे। वो टीसी फिर उस पास से क्या कर लेता था? चेक करके उसको चढ़ा देता था। ये दोनों में अंतर था कि 1/3 किराया भी देना है पीटीओ में और बिना आपको टिकट कटाए आप ट्रेन में उसको लेकर बैठ नहीं सकते। लेकिन अब तो क्या है, ऑनलाइन हो गया है, तो अब ऑनलाइन भी सेम वैसे ही कंडीशन आ गई है। अब ऑनलाइन का जो यूज़ कर रहे हो, जो पास है, वो भी एज ए पीटीओ की तरह है कि जब तक ऑनलाइन पास को आप टिकट में कन्वर्ट नहीं कराओगे तब तक उससे भी आप यात्रा नहीं कर पाओ। ठीक है, अब नियम की बात करें तो रेल पास नियम कितना था? 1986 था। अब 1986 के जो तहत है, जो आपके पास है, उस पास को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया? स्पेशल 7 प्रकार से। कितने प्रकार में बांटा गया है? 7 प्रकार में। भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 7 भाग में बांटा गया है? तो भाई सबसे पहली चीज होगी ड्यूटी पास। आपको जो पास दिया जाता है, सबसे पहला कौन सा पास दिया जाता है आपको? ड्यूटी पास। पहला रहता है आपका ड्यूटी पास। उसके बाद फिर जो दिया जाता है आपका सुविधा पास। अब ड्यूटी पास किससे दिया जाएगा भाई? जब आप ड्यूटी के लिए, आप जब ड्यूटी पर जाते हो, ड्यूटी के काम से कहीं आपका मूवमेंट होता है, तो जो आपको पास दिया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? ड्यूटी पास कहेंगे। दूसरा सुविधा पास, जब कर्मचारी अपनी पर्सनल सुविधा के लिए, जब कर्मचारी अपनी पर्सनल सुविधा के लिए जो पास पर्सनल यूज, मतलब आप खुद के और अपनी फैमिली और आपके जो आश्रित है उनके लिए जो पास कार्य जो निकलवाता है, जारी करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सुविधा पास। तीसरा होता है स्कूल पास। स्कूल पास मतलब बच्चों को दिया जाता है, आपके कर्मचारी के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल क्या है, थोड़ा डिस्टेंस दूर है, आपके शहर से बाहर है, तो स्कूल से घर और घर से स्कूल
आने जाने मतलब डेली आने जाने के लिए नहीं, छुट्टियों में आने के लिए, छुट्टियों पर आने जाने के लिए जो पास दिया जाता है उसको भी क्या कहते हैं, स्कूल पास। ये पास बिल्कुल अलग से रहता है, ये आपके पास से इसकी कटौती नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पास होता है सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास, मतलब इसको बोलते हैं सेवानिवृत्त, मतलब जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायर होने पर उसको जो पास दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाएगा, मानार्थ पास। उसके बाद अगला जो पास होता है वो होता है विधवा पास। जैसे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसकी वाइफ को जो पास दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधवा पास। फिर एक होता है आवासीय कार्ड पास। एक आवासीय कार्ड पास किसे कहते हैं कि जैसे जब कर्मचारी है, कर्मचारी विद परमिशन के साथ हेडक्वार्टर के बाहर कहीं रहता है और बाहर से उसके हेडक्वार्टर में आने जाने के लिए उसे जो पास दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आवासीय कार्ड पास। मतलब अपने आवास से कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र से आवास तक जाने के लिए जो पास दिया जाता है उसे आवासीय पास कहते हैं। और तीसरा होता है विशेष पास। मतलब विशेष पास मतलब स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में जैसे अचानक आपको कहीं जाना है स्पेशल ड्यूटी पे, तो उसके लिए जो आपको पास दिया जाता है उसे ही हम कहेंगे स्पेशल पास। जैसे सपोज आप कहीं ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आपको जो पास मिलता है वो स्पेशल पास बना के दिया जाता है जब आउटर साइड में जा रहे हो। दूसरी चीज़ ड्यूटी पास और स्पेशल पास, विशेष पास में क्या है कि ड्यूटी पास आपकी एक अथॉरिटी होती है। ड्यूटी पास क्या होती है, एक अथॉरिटी होती है जिसकी वैलिडिटी 30 दिन होती है, ठीक है। वो एक अथॉरिटी बना के आपको दे दी जाती है, मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है उसकी 30 दिन। और पास जो होता है स्पेशल कंडीशन में आपको पास दिया जाता है। मोस्टली हम 7 प्रकार के पास देखेंगे, ड्यूटी पास, सुविधा पास, स्कूल पास, मानर्थ पास, विधवा पास, आवासीय कार्ड पास और विशेष पास। अब सबसे पहले रेल सेवा सेवक पास नियम 1986, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ड्यूटी पास की। किसकी बात करेंगे हम, ड्यूटी पास। तो ड्यूटी पास क्या होता है भाई, रेल कर्मचारी को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए किया जाता है, इसे इसके निम्नलिखित प्रकार है। ड्यूटी पास वह पास होगा जो कर्मचारी को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, ऑन ड्यूटी आप जो यात्रा कर रहे हो उसके लिए जो पास दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूटी पास। अब ड्यूटी पास भी कई प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर्ण पास होता है, रजत पास होता है, कांस्य पास होता है और कार्ड पास होता है। मोस्टली जो आपके ड्यूटी पास होते हैं उस ड्यूटी पास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण गोल्ड पास। दूसरा हो जाएगा आपका रजत मतलब सिल्वर पास। तीसरा हो जाएगा कांस्य मतलब ब्रॉन्ज पास। उसका चौथा जो हो जाएगा कार्ड पास, ठीक है। सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को कार्ड पास मिलता है। कौन सा पास मिलता है, कार्ड पास। और बाकी आपका स्वर्ण पास, रजत पास, ब्रॉन्ज पास, जो आपका कांस्य पास है, ये सब अधिकारियों को दिया जाता है। उनमें से सबसे पहले जो पास जो मैं बता रहा हूँ वो है कौन सा पास है, आपका स्वर्ण पास। स्वर्ण पास की अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसको अपन गोल्ड पास भी कहते हैं। गोल्ड प्लेटेड टोकन होता है, जो गोल्ड स्वर्ण पास होता है ये गोल्ड प्लेटेड टोकन होता है। गोल्ड का बना हुआ एक ऐसी प्लेट या एक टोकन दिया जाता है जो किसका काम करता है, स्वर्ण पास का काम करता है। अब ये किसे मिलता है, तो जो गोल्ड पास मिलेगा, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, वित्त आयुक्त, तो सदस्य रेलवे बोर्ड, मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त तो और महाप्रबंधक को दिएगा। मतलब सिंपल सी बात होगा है कि स्वर्ण पास हमेशा जो रेलवे बोर्ड, देखो मैंने आपको जब संगठन बताया था सर्वे सर्वा मंत्रालय के नीचे जो होता है वो होता है क्या, रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबको कौन सा पास मिलेगा, स्वर्ण पास मिलेगा। रेलवे बोर्ड का अधिकारी कौन है, कौन कौन से अधिकारी हो गए, जिसमें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हो गया, वित्त आयुक्त हो गए, सदस्य रेलवे बोर्ड हो गए, मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त हो गए, इनको क्या मिलेगा, स्वर्ण पास मिलेगा। अब उसके नीचे कौन आ जाता है, जैसे रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के नीचे क्या आएगा, डिवीजन जोन आएगा। रेलवे बोर्ड के नीचे कौन आएगा, जोन। तो जोन का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसको भी स्वर्ण पास मिलेगा। मतलब सिंपल से सिंपल समझने की बात यह है कि रेलवे बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जैसे रेलवे जो बताया, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, वित्त आयुक्त, सदस्य रेलवे बोर्ड, मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, महाप्रबंधक
रेलवे मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, इनको क्या मिलता है? गोल्ड पास। और उसके नीचे क्या आता है? जोन। तो जोन में एक को मिलेगा, किसको मिलेगा? जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा। तो जोन का प्रमुख कौन होता है? महाप्रबंधक। तो महाप्रबंधक को भी क्या मिलता है? गोल्ड पास मिलता है। और महाप्रबंधक के नीचे किसी को गोल्ड पास नहीं दिया जाएगा। गोल्ड पास सिर्फ रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को, और जोन में सर्वोच्च अधिकारी मतलब महाप्रबंधक जीएम साहब को ही गोल्ड पास मिलता है, बाकी किसी को गोल्ड पास नहीं मिलता। अब इसमें इनको क्या सुविधा दी गई है भैया गोल्ड पास में? तो गोल्ड पास में क्या कहा गया है कि पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के साथ यात्रा करने हेतु पात्र है, पहली चीज। अब जो गोल्ड पास होता है वो आप जैसे अधिकारी जो हैं वो खुद भी यात्रा करेंगे, साथ में वो पत्नी को भी ले जा सकते हैं और अपने वयस्क बच्चों को भी साथ में यात्रा कर, अवयस्क बच्चे मतलब जो आपकी जिनकी उम्र कम हो, अवयस्क बच्चों को भी ले जा सकते हैं, पत्नी को भी ले जा सकते हैं, इनको भी अपने अपना ड्यूटी पास के साथ ले जा सकते हैं। बस समझ में आई? ठीक है। अब इनको इनको तो ले जाएंगे, लेकिन साथ में क्या मिलेगा इनको? प्रथम एसी श्रेणी में दो बर्थ। अगर प्रथम एसी श्रेणी लेते हैं तो कितने बर्थ मिलते हैं? दो बर्थ। और एसी द्वितीय श्रेणी सैन प्रथम श्रेणी में चार बर्थ दिए जाते हैं। ठीक है। अगर प्रथम श्रेणी में लेंगे तो दो बर्थ मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी में लेंगे तो इनको कितने बर्थ अलॉट किए जा सकते हैं? चार बर्थ। किसमें बात हो रही? ड्यूटी पास की बात हो रही। ठीक है। प्रथम एसी कूप में दो बर्थ तक अधिकतम। अगर कूप में जा रहे हैं, प्रथम श्रेणी कूप में जा रहे हैं, तो उसमें अधिकतम कितने बर्थ दे सकते हैं? दो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला हम स्वर्ण पास की बात करें तो जो गोल्ड पास होता है ये गोल्ड प्लेटेड टोकन होता है। ये किसको मिलता है? रेलवे बोर्ड के कर्मचारी, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। किस किस को? जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयुक्त होते हैं, सदस्य रेलवे बोर्ड होते हैं, मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त होते हैं। और बोर्ड के नीचे क्या आएगा? जोन। तो जोन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा मतलब महाप्रबंधक जीएम, उनको भी गोल्ड पास दिया जाता है। इसके साथ ये पत्नी को भी ले जा सकते हैं, अवयस्क बच्चों को भी ले जा सकते हैं। ठीक है। प्रथम श्रेणी में उनको दो बर्थ दी जाती है, प्रथम श्रेणी यदि कूप है तो भी दो बर्थ मिलेगी, और द्वितीय श्रेणी में अगर लेते हैं तो इनको चार बर्थ आराम से दी जाती है। अब ये देखा हमने, क्या देखा? स्वर्ण पास। अब बात करेंगे किसकी? हम रजत पास की। गोल्ड पास देख लिया, अब कहाँ पे आ गए हम? स्वर्ण पास। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्वर्ण पास है रेलवे बोर्ड के लिए अधिकृत है, सिर्फ जोन में किसको मिलता है? महाप्रबंधक को। वैसे ही रजत पास जो भी है वो किसके लिए है? जोन के अधिकारियों के। रजत पास किसके लिए है? जोन के अधिकारी। तो अब किसे मिलेगा? रजत मतलब सिल्वर। अब रजत पास में क्या होता है? सिल्वर प्लेटेड टोकन होता है। जो रजत पास होता है वो कैसा होता है? सिल्वर प्लेटेड टोकन होता है। अब ये किसको मिलेगा? अब देखिए, गोल्ड पास तो महाप्रबंधक को मिल गया, अब वहां पे अब उनको छोड़ गया, बचे क्या? जितने भी अधिकारी हैं, जैसे अपर महाप्रबंधक मतलब एजीएम, प्रवर उप महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक। ठीक है। मतलब क्या बात आई भाई? रेलवे बोर्ड को मिल गया गोल्ड पास, जोन में आ गए तो उनको मिल गया रजत पास, लेकिन जोन का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसको कौन सा पास मिलेगा भाई? गोल्ड पास। तो महाप्रबंधक जी चले गए गोल्ड पास के पास। अब बाकी जितने भी कर्म अधिकारी हैं, चाहे वो एजीएम साहब हो, चाहे आपके सारे विभागों के विभाग अध्यक्ष मतलब पीसी, या जिसको बोलेंगे पीएचओडी, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सबको कौन सा पास मिलेगा? रजत पास। जितने भी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एजीएम हैं, इन सबको क्या मिलेगा? रजत पास। ठीक है, क्योंकि रजत पास किसके लिए बना है? जोन के लिए। गोल्ड पास किसके लिए बना है? रेलवे बोर्ड के लिए। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अब जोन के नीचे क्या आता है? डिवीजन आता है। तो डिवीजन का भी जो सर्वोच्च होगा उसको भी रजत पास दिया जाएगा। डिवीजन का मेन सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीआरएम। तो डीआरएम को भी क्या दिया जाता है? रजत पास दिया जाता है। जैसे रेलवे बोर्ड के आपका जीएम को दिया जाता है गोल्ड पास, वैसे ही डीआरएम साहब को भी कौन सा पास दिया जाता है? रजत पास। तो अब रजत पास लेने वाले कौन हो गए? एजीएम हो गए, ठीक है, सारे पीएचडी हो गए, सारे डिपार्टमेंटों के प्रिंसिपल हेड हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर डिवीजन में कौन है? सर्वोच्च अधिकारी डीआरएम। तो डीआरएम साहब को भी कौन सा पास मिलता है? रजत पास मिलता है।
अब इसमें आप कैसे यात्रा कर पाएंगे? जब भी रजत पास जिन अधिकारियों को मिलता है वह स्वयं के लिए एएसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करेंगे। वो स्वयं जब भी ये रजत पास का यूज करेंगे तो वो स्वयं के लिए एसी प्रथम श्रेणी में क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, और परिवार को भी एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा एसी प्रथम श्रेणी तथा एसी स्यान्यान श्रेणी के किराए के अंतर का एक तिहाई भुगतान करके दिया जा सकता है। मतलब रजत पास उसमें क्या होता था, गोल्ड पास में सिंपल सा था कि खुद भी यात्रा कर सकते थे, अपने बच्चे, अपनी वाइफ और अवयस्क बच्चों के साथ भी यात्रा कर सकते थे। अगर फर्स्ट क्लास एसी है तो उनको दो बर्थ मिलता था, ठीक है, बाकी टू टीयर है तो उनको चार बर्थ मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या है, जो उनको जिन अधिकारियों को रजत पास मिलता है वो स्वयं तो प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए एसी प्रथम में अगर यात्रा कराना है तो जो एसी स्यान द्वितीय में जो वेरिएशन होगा उसका 1/3 किराया देकर वो क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। मतलब सिंपल चीज़ है कि वो परिवार उसमें रजत पास में परिवार वाले 1/3 किराया देकर यात्रा कर सकते हैं और जो अधिकारी वो स्वयं नॉर्मल अपने इससे यात्रा कर सकते हैं। गोल्ड में कोई 1/3 देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रजत में परिवार के लिए 1/3 किराया देकर यात्रा कर सकते। अधिकतम इसमें सीमा क्या है, 4 बर्थ। इसमें भी आपको मैक्सिमम अधिकतम कितने बर्थ अलॉट किए जा सकते हैं, रजत पास में भी 4 बर्थ। उसमें क्या था, एसी फर्स्ट क्लास में 2 बर्थ होते थे और टू टीयर में आपके 4 बर्थ होते थे, इसमें मैक्सिमम 4 बर्थ आपको दे सकते हैं। अब उसके बाद जो तीसरा पास है वो है कौन सा, हमारा कास्ट पास। कौन सा पास है आपका, कास्ट पास, ठीक है। अब कास्ट पास जितने भी अधिकारी बच गए, अब कास्ट पास किसके लिए बना है, डिवीजन के लिए। अब इनको छोड़ के जितने भी अधिकारी पीएचओडी हो गए उनको छोड़ के, डीआरएम को छोड़ के जितने भी अधिकारी सब बचे हैं सबको क्या मिलता है, कास्ट पास मिलता है। सारे अधिकारियों को अब क्या मिलेगा, कास्ट पास। जिन अधिकारियों को स्वर्ण एवं रजत पास नहीं मिलता है उन सभी अधिकारियों को कास्ट पास प्रदान किया जाएगा। मतलब जिन भी अधिकारियों को स्वर्ण और रजत नहीं मिलेगा उन सबको क्या मिलेगा, कास्ट पास मिलेगा। इसमें क्या होता है, प्रथम श्रेणी में स्वयं, पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के साथ अधिकतम 4 बर्थ। कास्ट में भी क्या होता है, प्रथम श्रेणी में स्वयं और पत्नी एवं अवयस्क बच्चे के साथ कितनी बर्थ मिल जाती है, 4। अपर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को भारतीय रेल पर यात्रा की पात्रता, इसमें क्या होगा, अपर प्रशासनिक ग्रेड के जितने भी अधिकारी हैं वो पूर्व भारतीय रेलवे पर यात्रा करने की उसको क्या है, पात्रता है। इस ग्रेड से नीचे के अधिकारियों को केवल संबंधित क्षेत्रीय रेलों पर ही यात्रा करने की पात्रता। देखो अगर अपर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी है और उनको कास्ट पास मिला होगा, कास्ट से पास, अपर प्रशासनिक ग्रेड, तो वो उस कास्ट से पास से पूरी ऑल इंडिया में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे के ग्रेड के जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ संबंधित क्षेत्र में, मतलब जोन में ही यात्रा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी हैं वो पूरे इंडिया में कास्ट पास के साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर ग्रेड के अधिकारी हैं वो सिर्फ जोन में, जैसे WCR है तो वो सिर्फ WCR के अंदर ही, जोन में कोटा, भोपाल, जबलपुर, ये 3 डिवीजन के अंदर ही यात्रा कर सकते हैं, इससे बाहर वो यात्रा नहीं कर सकते कास्ट पास। बात समझ में आ गई। तो हमने 3 पास देखा, कौन कौन से पास देखा भाई, गोल्ड, रजत और कास्ट, ठीक है। तो जो स्वर्ण होता है वो रेलवे बोर्ड वालों के लिए है, जितने भी अधिकारी रेलवे बोर्ड के, ठीक है, उन्हें मिलता है स्वर्ण, और जोन का जो सर्वोच्च अधिकारी GM साहब है उनको स्वर्ण मिल जाता है। फिर उसके बाद रजत जोन के लिए बनता है, तो जोन के जितने भी PHOD हैं उन सबको क्या मिलेगा, रजत बनेगा, और डिवीजन के जो सर्वोच्च अधिकारी DRM साहब उनको क्या मिलता है, रजत मिलता है। उसके बाद बात करते कास्ट की, तो डिवीजन की, फिर जितने भी सारे के सारे बच गए, डिवीजन, जोन, रेलवे बोर्ड, अब जिन भी अधिकारियों को ये 2 पास नहीं मिलते, गोल्ड और रजत, उन सबको क्या दे दिया जाता है, कास्ट दे दिया जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे पास नियम में कि धातु पास की लागत के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कि जो धातु पास होती है अपने, धातु पास मतलब वही
आपका गोल्ड पास, सिल्वर पास, आपका ब्रॉन्ज पास, मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य पास, अब इनकी लागत कितनी होती है? तो जो स्वर्ण पास होता है उसकी लागत होती है 10,950 रुपये। जो स्वर्ण पास होता है उसकी कीमत कितनी होती है, लागत क्या होती है? 10,950 रुपये। जो रजत पास होता है सिल्वर, उसकी जो कीमत होती है वो होती है 3,028 रुपये। कितनी होती है? 3,028 रुपीस। ठीक है, और जो कास्ट पास होता है उसकी होती है 2,557 रुपये। ठीक है, तो जो उनकी लागत होती है बनने की, जो कीमत, जो लागत होती है जो लगती है, स्वर्ण पास में 10,950, रजत पास 3,028 और कास्ट पास 2,557। स्वर्ण में 10,950, रजत में 3,028 और कास्ट में कितना है? 2,557। अब ये तो हो गए कौन से पास भाई, तीन पास हो गए, स्वर्ण, रजत और कास्ट। मैंने आपको बताया था कि ड्यूटी पास चार होते हैं, एक होगा स्वर्ण, एक होगा रजत, एक होता है कास्ट, और चौथा होता है चेक पास या कार्ड पास। क्या होता है? चेक पास या कार्ड पास। तो जो चेक पास और कार्ड पास है ये मैं बता चुका हूँ कि किसको मिलता है, सी और डी ग्रुप के कर्मचारी अधिकारियों को कास्ट तक मिलेगा। बाकी जितने भी बच गए सी और डी ग्रुप के कर्मचारी, उन सबको क्या मिलता है भैया जी? चेक पास और कार्ड पास। अब चेक और कार्ड में क्या अंतर होता है? देखो, चेक पास मतलब क्या होता है, आपको जो अथॉरिटी मिलती है व्हाइट कलर की, आपको जो अथॉरिटी मिलती है वो आपकी चेक पास है। ठीक है, बाकी फिर क्या होता है कि कुछ अधिकारी, कुछ जो कुछ कर्मचारी रहते हैं वो क्या करवाते हैं डिवीजन से, अपना एक कार्ड बना लेते हैं लाइफ टाइम की। जिस चेक पास की वैलिडिटी 30 दिन, लेकिन कार्ड पास तो हमेशा के लिए रहता है, तो वो एक कार्ड पास बना लेते हैं, उसमें उस मतलब डिवीजन में कहीं पे भी यात्रा करने के लिए वो क्या होते हैं, एलिजिबल रहते हैं। तो वो जो कार्ड के रूप में जो पास दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? कार्ड पास कहेंगे। अब चेक पास या कार्ड पास सिर्फ किसको मिलता है? ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए होता है। कभी कभार यात्रा करने के लिए चेक पास और प्रतिदिन या अक्सर यात्रा करने के लिए कार्ड पास दिया जाता है। जैसे अब कोई कर्मचारी डेली यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या दे दिया जाता है? कार्ड पास दे दिया जाता है, कार्ड बना के दे दिया जाता है। और जो कभी कभार यात्रा कर रहे हैं, कहीं जाना है, तो उसके लिए कौन सा पार्ट दे दिया जाता है? आपका चेक पास दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया अपन, ड्यूटी पास। तो ड्यूटी पास में हमने देखा कि टोटल ड्यूटी पास चार प्रकार के होते हैं, स्वर्ण, रजत, कास्ट और कार्ड या चेक पास या कार्ड पास। ठीक है, अब बात करते हैं सुविधा पास। सुविधा पास क्या बताया था? जो आपकी सुविधा के लिए कर्मचारी को दिया जाता है सुविधा पास। रेलवे कर्मचारी को अपनी निजी यात्रा के लिए जारी, ठीक है, तो जो सुविधा पास होता है ये कर्मचारियों को उसकी खुद की निजी यात्रा के लिए क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? स्वयं, परिवार के सदस्य और आश्रित। ठीक है, आपकी सुविधा पास का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? आप स्वयं यात्रा कर सकते हैं सुविधा पास से, आपके परिवार के सदस्य यात्रा कर सकते हैं, और आपके जितने आश्रित हैं वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। पास में केवल स्वयं और परिवार के सदस्य ही शामिल किए जाने पर कुल सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप पास में यात्रा कर रहे हो और आप स्वयं हो और आपके परिवार के सदस्य, आपका परिवार मतलब आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बच्चे शामिल हो सकते हैं, कितने, और बीवी और आप, ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आश्रित शामिल हो जाते हैं उसमें, अगर लेकिन आपके पास में क्या शामिल हो रहे हैं? आश्रित, तो अधिकतम संख्या, आश्रितों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2, और टोटल मिला के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 5। मतलब आश्रित तो अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं होंगे, और आश्रित और परिवार को मिला के अधिकतम आपको सिर्फ 5 लोगों का ही पास मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सुविधा पास के प्रकार, रंग, यात्रा हेतु पात्रता की शर्तें। ठीक है, निम्नलिखित है, अब किसको किस रंग का पास मिलेगा उस पर चर्चा हम कर लेते हैं सुविधा पास की। तो सबसे पहली चीज होती है प्रथम श्रेणी ए पास। सबसे पहला जो पास होता है वो होता है प्रथम श्रेणी ए पास। तो प्रथम श्रेणी जो ए पास होता है उसका जो कलर होता है वो कलर कौन, किस कलर का होता है? सफेद कलर का।
प्रथम श्रेणी ए पास जो अधिकारियों को मिलता है उसका कलर क्या होता है? सफेद है। इसमें क्या करते हैं, एसी टू टायर एवं निम्न श्रेणी में वो क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो एसी टू टायर नहीं, ये एसी वन टायर में यात्रा करते हैं। किसमें करते हैं? वन टीयर में, जो फर्स्ट क्लास होता है ना वन टीयर। तो सफेद पास से आप वन टीयर में यात्रा, एसी फर्स्ट क्लास में आप। ठीक है, प्रथम श्रेणी में सफेद, एसी टू टायर में या उससे निम्न श्रेणी में। प्रति व्यक्ति वयस्क है तो कितना है, 140 केजी का वेट ले जा सकते हैं, और प्रति बालक अवयस्क है तो कितना, 70 केजी। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी का यदि पास मिलता है तो उसका कलर क्या होता है, हरा। मतलब प्रथम श्रेणी ए का सफ़ेद होता है, प्रथम श्रेणी का कलर क्या होता है, हरा। इसमें भी ये टू टीयर श्रेणी में क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं या उससे निम्न। ये कितना ले जा सकते हैं, अपने साथ 70 केजी का सामान ले जा सकते हैं और प्रति बालक 35 केजी का सामान ले जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी ए का कलर क्या होता है, पीला होता है। द्वितीय श्रेणी ए का कलर क्या होता है, पीला होता है। इसमें ये एसी थर्ड में यात्रा कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, एसी थर्ड में, राजधानी शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर। ठीक है, जिनके पास पीला पास रहेगा द्वितीय श्रेणी ए में, ये एसी थ्री टीयर में यात्रा कर सकते हैं राजधानी शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस को छोड़कर एवं निम्न श्रेणी। ये अपने साथ प्रति व्यक्ति 50 केजी का सामान ले जा सकते हैं और अवयस्क कितना ले जा सकता है, 25 केजी का। फिर अगला जो पास रहता है वो रहता है द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का जो पास रहेगा वो कैसा रहता है, गुलाबी कलर का। ठीक है, अब गुलाबी कलर के पास में द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय स्लीपर श्रेणी में वो यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने साथ 50 केजी का सामान ले जा सकते हैं और बच्चे 25 केजी का। मतलब सिंपल सा है, यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन आते हैं तो ये आते हैं। प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी ए का कलर क्या होता है, सफ़ेद। प्रथम श्रेणी का कलर क्या होता है, आपका ग्रीन। द्वितीय श्रेणी ए का कलर होता है पीला, और द्वितीय श्रेणी का कलर क्या होता है, गुलाब। अब पास पीटीओ की पात्रता की बात कर लेते हैं कि भैया किस किस को, किसका, किस ग्रेड पे के हिसाब से कौन सा जो पीटीओ या पास पात्र होगा वो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि राजपत्रित अधिकारी। अगर राजपत्रित अधिकारी हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के क्या है, राजपत्रित अधिकारी, तो उनको जो मिलता है सुविधा पास हो या पीटीओ हो, सुविधा पास या पीटीओ कौन सा मिलता है, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का क्या मिलता है आपको, पीटीओ या पास मिलेगा। किसको, राजपत्रित अधिकारी, चाहे ए हो या बी हो। ठीक है, ड्यूटी पास भी क्या रहेगा उनको, प्रथम श्रेणी ए का ही रहेगा। ड्यूटी पास भी किसका रहेगा, प्रथम श्रेणी ए का। आ राजपत्रित कर्मचारी की बात करें जो सी ग्रुप से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आ राजपत्रित अधिकारी 4200 ग्रेड पे या उससे अधिक, जिसका भी 4200 ग्रेड पे या उससे अधिक है, तो उसको क्या मिलता है, प्रथम श्रेणी का पास मिलता है। वो ड्यूटी पे भी जाएगा तो प्रथम श्रेणी का पास मिलेगा, जिसको अपन ग्रीन पास भी कहते हैं। जिसका भी ग्रेड पे 2800 हो, जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, उसको द्वितीय श्रेणी ए पास मिलता है। 2800 ग्रेड पे वाले को क्या मिलेगा, द्वितीय श्रेणी ए पास मिलेगा, और ड्यूटी पास भी उसको द्वितीय श्रेणी का ए पास मिलेगा। ड्यूटी के लिए भी जाएगा तो उसको द्वितीय श्रेणी का ए पास मिलेगा, पास पीटीओ के लिए भी अप्लाई करेगा तो द्वितीय श्रेणी का ए पास मिलेगा। किसे मिलेगा, 2800 ग्रेड पे वाले को। ग्रेड पे 1900 एवं अधिक, 2800 से कम। अगर जिसका ग्रेड पे 1900 एवं 2800 से कम है, जिसका ग्रेड पे 2800 से कम है और 1900 तक है, तो उसको क्या मिलेगा, वर्ष में एक बार द्वितीय श्रेणी ए का पास मिलेगा और शेष सभी द्वितीय स्लीपर के मिलेंगे। जिसका भी ग्रेड पे 1900 है या उससे अधिक है लेकिन 2800 से कम है, तो साल में एक बार द्वितीय श्रेणी ए का पास मिलेगा और बाकी जो पास मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, आपके स्लीपर के मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के मिलेंगे। लेकिन ड्यूटी पास की बात करेंगे, जब भी वो ड्यूटी पास लेकर जाएगा तो उसको द्वितीय श्रेणी ए पास ही मिलेगा, अप्लाई जितनी बार ड्यूटी पास बनाए। तो जो 1900 ग्रेड पे या उससे अधिक, 2800 ग्रेड पे से कम वाले हैं, उनको साल में एक बार द्वितीय श्रेणी ए पास मिलेगा सुविधा के लिए, सुविधा पास या पीटीओ पास, लेकिन ड्यूटी पास हमेशा क्या रहेगा, द्वितीय श्रेणी ए। 1800 ग्रेड पे की बात करते हैं, जो इनिशियल 1800 ग्रेड पे वाले हैं, तो वर्ष में एक बार इनको भी द्वितीय श्रेणी ए पास मिलता है और स्वेस क्या रहेंगे, आपकी द्वितीय श्रेणी स्लीपर पास मिलेंगे,
और ये जब ड्यूटी मिल पे जाते हैं तो ड्यूटी पर इनको द्वितीय श्रेणी का स्लीपर पास बनता है। बस अंतर इतना हो जाएगा कि जो 1800 ग्रेड पे वाले रहते हैं उसका जो ड्यूटी पास रहेगा वो भी कितना बनेगा, द्वितीय श्रेणी का ही बनेगा। बस पास पीटीओ मिलेगा तो एक मिलेगा द्वितीय श्रेणी का, एक का, बाकी सारे मिलेंगे स्लीपर के, जैसा आपको 1928 वाले 28 वालों को द्वितीय श्रेणी ए पास इसका भी मिलता है सुविधा और पीटीओ भी, और ड्यूटी पास भी किसका मिलता है, द्वितीय श्रेणी ए पे। ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारी को प्रतिवर्ष 6 सेट पास और ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी को प्रतिवर्ष 5 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 1 सेट पास तथा 5 वर्ष के बाद 3 सेट पास मिलते हैं। ठीक है, जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी का कर्मचारी होता है चाहे वो जिस दिन ज्वाइन करेगा उस दिन से ही उसके कितने 6 सेट चालू हो जाते हैं कि उनको 6 सेट क्या मिलता है, पास दिया जाता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी को 6 सेट पास दिया जाता है। वहीं अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी को जब तक उनकी नौकरी 5 साल की नहीं हो जाती है तब तक उनको 1 सेट पास मिलता है, और जैसे ही उनकी नौकरी 5 साल की हो जाती है तो उनको कितने सेट मिलते हैं, 3 सेट पास दिए जाते हैं। इन आदेशों के अनुसार पात्रता पर ध्यान दिए बिना जो कर्मचारी पहले से ही प्रथम श्रेणी के लिए पात्र हैं उनकी प्रथम श्रेणी पास की पात्रता जारी रहेगी। रनिंग कर्मचारियों के लिए पास पीटीओ की पात्रता निम्नलिखित है। ठीक है, जो रनिंग कर्मचारी होते हैं उनको पास पीटीओ की के लिए जो तालिका है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब उनको क्या किया जाता है, एक ग्रेड पे एडवांस दिया जाता है। जो रनिंग कर्मचारी होते हैं उनको क्या रहता है, एक ग्रेड पे एडवांस दिया जाएगा, मतलब जिनका 1900 ग्रेड पे है वो ऐसा 2400 की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जिसका 2400 है उसको 4200 की तरह ग्रेड पे की तरह ट्रीट होगा, जिसका 2800 है वो 4200 की तरह ट्रीट होगा, जिसका 4200 है वो 4600 की तरह होगा। तो उनको क्या किया जाता है कि एक ग्रेड पे क्या करके दिया जाता है, हायर करके उनको सुविधाएं दी जाती है। पास के मामले की बात कर रहे हैं कि भाई पास के मामले में जैसे सपोज मान लो एक एलएपी है, एलएपी का ग्रेड पे क्या होता है 1900। देखिए 1900 के लिए उसको क्या मिलना था, जो चीज़ मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन उसका जब एनालिसिस होता है पास पीटीओ के लिए तो 2400 ग्रेड पे वाले को जो फ़ायदा मिलता है पास पीटीओ का वो उसको दिया जाएगा। जैसे 2400 ग्रेड पे का कोई आपका सीएलआई या सेंटर है, ठीक है, एलएपी है, सेंटर है, कितने ग्रेड पे वाला है, 2400 ग्रेड पे वाला, तो 2400 ग्रेड पे के हिसाब से इसको क्या मिलना था, इसको द्वितीय श्रेणी ए पास मिलता है। ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है 4200 ग्रेड पे के तो इसको क्या मिलता है, फर्स्ट क्लास हरा पास मिलता है। इसको जो पीला मिलना था अब क्या मिल रहा है, उसको हरा पास, पीला भी नहीं, इसको क्या मिलना था, गुलाबी मिलना था, लेकिन क्या मिल रहा है उसको, 4200 वाला हरा पास मिल रहा है। तो एक ग्रेड पे उसको ऐसा आगे बढ़ा, 2800 वाले को भी 42 कर दिया, 4200 वाले को 46, मतलब ये तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। ये तो हुई पास की बात, अब बात करेंगे हम किसकी, पीटीओ की। पास पीटीओ में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, पास पीटीओ हमने देख चुका है, अब बात करेंगे कि पास पीटीओ में किस किस व्यक्ति को हम शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज परिवार, तो परिवार की परिभाषा समझना पड़ेगा कि परिवार क्या है। परिवार में पत्नी पति कमाती कमाता हो या नहीं, ठीक है, तो परिवार में पत्नी भी आएगी, अगर कर्मचारी पति है तो उसकी पत्नी आ जाएगी, कर्मचारी पत्नी है तो उसका पति आ जाएगा, चाहे वो कमाता हो या नहीं कमाता वो उसमें इन्वॉल्व होगा। दूसरा, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सोतेला पुत्र जो कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित, 21 साल की उम्र तक का कोई भी पुत्र, 21 साल की से कम उम्र का कोई पुत्र या सोतेला पुत्र जो उस पर क्या हो, पूर्ण रूप से आश्रित हो, वो भी क्या आएगा, परिवार कहलाएगा। 21 वर्ष या अधिक आयु का पुत्र या सोतेला पुत्र जो किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का सद्भाविक छात्र हो, ठीक है, तो भाई देखो 21 साल से कम परिवार का हिस्सा रहेगा पुत्र हो,
ठीक है, लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र हो गई है पुत्र की, तो क्या होगा? अगर वो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है, संस्था में पढ़ रहा है, तो उसको भी क्या किया जाएगा? आपका परिवार का हिस्सा माना जाएगा, मतलब पास पीटीओ में उसको भी क्या दिया रखा जाएगा। किसी अनुसंधान कार्य में लगा छात्र जो छात्रवृत्ति वृत्ति का प्राप्त नहीं कर रहा हो, किसी चार्टर्ड अकाउंट के अधीन क्लर्क के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पुत्र है आपका जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा भी हो गई है, लेकिन अगर उसको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है, और वो कहीं किसी अकाउंटेंट के अधीन क्या कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है, तो उसको भी क्या किया जाएगा? आपके परिवार में रखा जाएगा, पास पीटी की सुविधा दी जाएगी। रेलवे चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर असक्त हो, यदि कोई पुत्र रेलवे चिकित्सा ने नए प्रमाण पत्र दे दिया है कि वो कैसा है, असक्त है, तो उसको भी क्या दिया जाता है भाई? आपका पास पीटीओ का लाभ दिया जाता है, परिवार का हिस्सा माना जाता है। किसी भी आयु की अविवाहित पुत्री कमाती हो या नहीं कमाती हो, कोई भी कितने भी उम्र की लड़की हो जाए, लड़के के लिए तो 21 साल है और कंडीशन है, लेकिन पुत्री के लिए कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी उम्र की पुत्री हो, बस अविवाहित होनी चाहिए, वो कमाती हो नहीं कमाती हो डजंट मैटर, ठीक है, वो बस अविवाहित हो तो वो आपके पास पीटीओ में आपका परिवार का हिस्सा रहेगी, बस अविवाहित होनी चाहिए। जहाँ शादी हो जाएगी तो फिर वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं रहेगी। विधवा पुत्री जो कर्मचारी पर आश्रित हो, ठीक है, अगर पुत्री है और विधवा पुत्री है और वो कर्मचारी पे कैसे आश्रित है, तो वो भी परिवार का हिस्सा कहलाएगी। वेद रूप से तलाकशुदा पुत्री जो कर्मचारी पर आश्रित है, यदि पुत्री है और वो वेद रूप से कैसी है, तलाकशुदा है और कर्मचारी पर आश्रित है, तो किसी की भी उम्र की हो वो भी क्या कहलाएगा, परिवार का हिस्सा पांच पीटियों में रहेगा। अब ये तो हुआ परिवार, परिवार में मैंने बताया दो चीजें, पुत्र की कंडीशन 21 साल तक, पुत्री की कंडीशन अगर शादी नहीं हुई है तो कितनी भी साल की हो, विवाहित हो तो विधवा हो गई हो तो भी है, और तलाकशुदा हो तो भी आपके परिवार का हिस्सा रह सकती है। अब बात करेंगे किसकी, आश्रितों की, किसकी बात करेंगे, आश्रित। तो रेलवे में कौन कौन से कर्मचारी आश्रित होंगे, रेल कर्मचारी जिसका पिता जीवित ना हो के संबंध में निम्नलिखित आश्रित होंगे। अगर कोई रेल कर्मचारी है और उनके पिता जीवित नहीं है तो निम्नलिखित उन पर क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे। अब कौन कौन से आश्रित रहेंगे, माँ जिसमें से तलाकशुदा माँ भी शामिल है, ठीक है, माँ शामिल होगी जिसमें से तलाकशुदा माँ भी कैसी होगी, शामिल हो सकती है। अविवाहित बहन, विधवा बहन, अगर आपकी बहन अविवाहित है विधवा है तो वो भी आपके पास में शामिल आश्रितों में शामिल हो सकती है। 21 वर्ष से कम आयु के भाई, सोतेला भाई जो रेलवे कर्मचारी के साथ रहता हो वह उस पर आश्रित होगा कहलाता हो सकता है। अगर आपका कोई भाई है जिसकी उम्र 21 साल से कम है वो भी आप पर आश्रित हो सकता है, बस शर्त ये है कि ऊपर जो कंडीशन दी गई है कि आपके पिता जीवित ना हो। जब आपके पिताजी जीवित नहीं रहेंगे उस कंडीशन में ये आपका जो 21 वर्ष से कम आयु का भाई हो, सोतेला भाई हो, ठीक है, जो रेलवे कर्मचारी के साथ रहता हो वह उस पर क्या रहेगा, पूर्ण रूप से आश्रित रहेगा। किसी भी आयु का असक्त भाई, अगर आपका कोई भाई है और वो कैसा है, असक्त है, असक्त मतलब विकलांग है, मेंटली है, ठीक है, इस कंडीशन में वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो जाए वो भी आप पर निर्भर रहेगा, आश्रित रहेगा। 21 वर्ष से अधिक आयु का भाई जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान में पढ़ रहा है, अगर आपका कोई भाई है, ठीक है, वो 21 साल से ज़्यादा का हो गया है लेकिन आज भी वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पढ़ाई कर रहा है तो वो भी आपका आश्रित कहलाएगा। वेद रूप से तलाकशुदा बहन भी आप पे आश्रित रहेगी। विधवा सास, अगर आपकी सास है, आपके ससुर जी की डेथ हो गई है, स्वर्गवास हो गया है, तो जो आपकी विधवा सास है वो भी आप पर आश्रित हो सकती है, उसका भी नाम आप उसको आश्रित पे उसका नाम ऐड कर सकते हो। जहाँ कर्मचारी की विधवा को अनुकंपा नियुक्ति दी गई हो, चाहे उसके पिता जीवित हो या नहीं। विधवा सास को ले लिए, ठीक है, जहाँ कर्मचारी की विधवा, जैसे कोई कर्मचारी की विधवा जो थी उसको क्या मिल गई, अनुकंपा नियुक्ति दी गई है,
चाहे उसके पिता जीवित हो या नहीं। तो किसी विधवा को यदि अनुकंपा नियुक्ति मिली है तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। बशर्त कि व्यक्ति पास पीटीओ के लिए रेल कर्मचारी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बशर्त कि व्यक्ति पास पीटीओ के लिए कर्मचारी पर आश्रित माना जाएगा जिसकी आय सभी स्रोतों से न्यूनतम परिवार पेंशन 9000 तथा महंगाई भत्ते के कुल योग का 62। देखो जितने भी ऊपर है सारे के सारे आप पे आश्रित कहलाएंगे, लेकिन आश्रित के लिए एक शर्त है। पास पीटीओ के लिए क्या है? शर्त है। शर्त क्या है कि किसी भी कर्म जो भी है, चाहे आपके भाई क्यों ना हो, चाहे विधवा माँ क्यों ना हो, चाहे बहन क्यों ना हो, उनकी किसी भी स्रोत से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 9000 से ज़्यादा नहीं तथा महंगाई राहत के कुल योग अथवा कर्मचारी के मासिक मूल वेतन के 15% जो भी ऊपर आश्रित है। तो जो आश्रित है तो किसी भी स्रोत से उनकी आय 9000 प्लस डीए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो आप पे आश्रित नहीं होंगे। या फिर आपकी जो सैलरी बन रही है, जैसे सपोज मान लो आपकी सैलरी बन रही है 30,000 रुपये, तो या मान लो 10,000 बन रही है, तो 10,000 का 15% से ज़्यादा अगर उनकी क्या पेंशन आ रही है तो वो भी आप पे आश्रित नहीं होगी। जैसे 10,000 मान लो 10,000 का 15% कितना हो 1500, और 1500 से ज़्यादा उनकी क्या आ रही है पेंशन आ रही है तो वो भी आप पे आश्रित नहीं। अब देखो, अब अगली चीज आती है कि यात्रा भत्ते के साथ दो चीजें हम यूज करते हैं, परिचर, जो आपके साथ जो रहता है परिचर। अब परिचर क्या होता है? प्रत्येक प्रथम श्रेणी ए पास, मेटल पास अथवा प्रथम श्रेणी पास में एक परिचर द्वितीय श्रेणी में निःशुल्क ले जाया जा सकता है। परिचर का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो कर्मचारी की निजी सेवा पूर्णकालीन आधार पर वेतन पर सेवारत होगा, ठीक है। तो जैसे ही जो भी फर्स्ट क्लास पास मिलता है, ठीक है, उनको अपने साथ एक परिचर ले जाने का एक परिचर दिया जाता है। परिचर ऐसा होगा जो आपके घर वेतन पर काम कर रहा है, जैसे कोई आपके घर काम करने अटेंडर नहीं, परिचर, ठीक है, जो हाँ अटेंडर सही, जैसे आपके घर कोई कर्म काम कर रही है कोई भाई, वो आपकी देखभाल कर रही है, आप जब जाओगे तो उसको साथ में ले जा सकते हो, उसको द्वितीय श्रेणी स्लीपर का पास मिल जाएगा, ठीक। पास जारी करने हेतु मार्ग, अब भैया पास जारी करने हेतु मार्ग है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा उसको देख लो। पास कम दूरी के मार्ग से जारी किया जाएगा। पास जब भी बनेगा तो सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी उसके लिए जारी किया जाएगा। अन्य मार्ग जो कम दूरी के मार्ग से 15% से अधिक ना हो, ठीक है। जब भी पास बनेगा दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा कि वो मार्ग कैसा हो, कम दूरी का हो, और कम दूरी से अगर ज़्यादा भी हो तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि 10 किलोमीटर की दूरी न्यूनतम है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15% और बढ़ा दो उसका, ठीक है, 11.5 किलोमीटर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो वहाँ यात्रा में सम्मिलित दूरी पर ध्यान दिए बिना दोनों में से किसी भी एक मार्ग से दिया जा सकता है। जहाँ पर दोनों वैकल्पिक हो, दोनों चुनने के लिए आपको किया गया है, वहाँ पर किसी पे भी आपको दिया जा सकता है। जब कम दूरी के मार्ग से यात्रा के लिए अधिक समय तथा अधिक दूरी के मार्ग में यात्रा के लिए कम समय लगता है, ऐसी स्थिति में अधिक दूरी के मार्ग से भी पास जारी किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लो एक अधिक दूरी की यात्रा है, ठीक है, उसमें कम समय लग रहा है, और वहीं एक कम दूरी की यात्रा है उसमें अधिक समय लग रहा है, तो आपको अधिक दूरी की यात्रा के लिए भी पास जारी किया जा सकता है। देखो तीन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होगी, हमेशा कोशिश करो कि न्यूनतम जो मार्ग हो, दूरी का मार्ग हो, वहाँ पे पास दो। दूसरी कंडीशन ये होगी कि न्यूनतम से मैक्सिमम तभी मिलेगा जब वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन तब मिलेगा जब दोनों वैकल्पिक मार्ग हो तो भी मिल जाएगा। चौथी कंडीशन क्या थी कि अगर अधिक दूरी जो है उसमें कम समय लग रहा है कम दूरी के मार्ग से, तो भी आपको अधिक दूरी के मार्ग से पास मतलब दिया जा सकता है। पास पीटीओ की वैधता की बात करेंगे तो अग्रिम आरक्षण की अवधि 90 दिनों
से बढ़ाकर 120 दिन करने के बाद पीटीओ की वैधता 4 माह के स्थान पे कितनी हो गई है, 5 महीने। ठीक है, कि पहले कितने थे, हम रिजर्वेशन कराते थे 90 दिन पहले करा सकते थे, लेकिन अब हम रिजर्वेशन 120 दिन पहले करा सकते हैं, मतलब 4 महीने पहले। कितने महीने पहले करा सकते हैं हम, 4। पहले 3 महीने पहले रिजर्वेशन करा सकते थे, लेकिन अब कितने महीने पहले रिजर्वेशन करा सकते हैं, 4। तो जितने भी महीने पहले आप रिजर्वेशन करा सकते हो, उससे 1 महीना ज्यादा की वैधता पास पीटीओ की होती है। बात समझ में आई? आप जितने भी दिन पहले रिजर्वेशन करा सकते हो, उससे 1 महीने ज्यादा आपके पास पीटीओ की वैधता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले 90 दिन पहले विंडो सीट खुलती थी रिजर्वेशन की, अब 120 हो गई, तो 90 मतलब 3 महीने, तो आपके पास पीटीओ की वैधता होती थी 4 महीने, लेकिन अब 120 हो गई मतलब 4 महीने हो गई है, तो आप पास पीटीओ की वैधता कितनी हो गई है, 5 महीने। मतलब आप यदि पास पीटीओ लोगे तो वो कितने दिन तक वैध रहेंगे आपके, 5 महीने तक। यदि भविष्य में, अगर भविष्य में अग्रिम अवधि घटाई जा सकती है, तो पास पीटीओ की वैधता 4 माह की अवधि कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में, जैसे अभी 120 दिन कर दिया, 4 महीने कर दिया, अब फ्यूचर में फिर से 90 दिन कर दे, कि 3 महीने कर दे, कि 3 महीने पहले ही सीट खुलेगी, तो फिर आपकी जो वैधता जो 5 महीने की गई है, वो कितने महीने हो जाएगी, 4 महीने की जा सकती है। अब अगला जो है वो है स्कूल पास। बॉटल पानी देते। अब अगला जो पास होता है वो कौन सा पास है भाई, स्कूल पास। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि रेल कर्मचारी के पात्र पुत्र एवं पुत्री को स्कूल जाने के लिए जो पात्र पास जारी किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, स्कूल पास कहते हैं। ठीक है, रेलवे कर्मचारी के पात्र पुत्र को पुत्री को स्कूल जाने के लिए जो पास दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, स्कूल पास। ठीक है, शिक्षा के स्थान से माता पिता के रहने के स्थान तक आने जाने के लिए जो पास दिया जाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे हम, स्कूल पास। अब स्कूल पास कब जारी होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्कूल पास कब जारी होगा। मान्यता प्राप्त छुट्टियों कम से कम लगातार 3 दिन के दौरान, मान्यता प्राप्त कोई छुट्टी है और कम से कम 3 दिन की छुट्टी लग रही है या उससे अधिक है, तो क्या कर दिया जाएगा आपका, स्कूल पास दे दिया जाएगा। ठीक है, अन्यथा उसको नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? स्कूल पास तभी मिलेगा जब कंटिन्यू 3 दिन या उससे ज्यादा दिन की छुट्टी, कम से कम लगातार 3 दिन या उससे ज्यादा दिन की स्कूल में छुट्टी होगी, वो भी मान्यता प्राप्त छुट्टी होगी, तब जाके स्कूल पास दिया जाएगा। चेक पास के रूप में प्रतिवर्ष 3 सेट और आधा 6 आधे सेट दिए जाते हैं। जो भी स्कूल पास होता है वो ऐसा आपको चेक पास की तरह दिया जाता है, जैसे चेक पास मिलता है ना, चेक पास के रूप में ही आपको क्या दिया जाता है, स्कूल पास दिया जाता है। ये पूरे साल में 3 सेट और 6 हाफ सेट, अगर हाफ सेट की बात करेंगे तो 6 हाफ सेट हो गए, और फुल सेट की बात करेंगे तो 3 सेट। मतलब जितना कर्मचारी सीओडी को कर्मचारी को कितना मिलता है, 3 सेट मिलता है, तो जितने सेट पास कर्मचारी को मिलते हैं उतने ही सेट उसके बच्चे को भी दिए जाते हैं। ठीक है, किस रूप में दिए जाते हैं, तो चेक पास के रूप में। और उसी श्रेणी के, जिस श्रेणी में कर्मचारी को सुविधा पास मिलता है, मतलब आपको जिस श्रेणी का सुविधा पास मिलेगा, उसी श्रेणी का सुविधा पास आपके बच्चे को दिए स्कूल पास के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, जिस श्रेणी के पात्र आप होंगे, उसी श्रेणी का पात्र आपके बच्चे को भी पास दिया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र अथवा किसी भी आयु की पुत्री के लिए अभिभावक शामिल हैं। अगर कोई पुत्र है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी यात्रा के लिए साथ में एक अभिभावक को शामिल करके वो ले जा भी सकता है और ला भी सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र का पुत्र और किसी भी उम्र की पुत्री, इसको लाने ले जाने के लिए अभिभावक शामिल हो सकते हैं उस किसमें, स्कूल पास में। अध्ययन दौरे, परीक्षा आदि में की स्थिति में भी जारी किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा किसी अध्ययन दौरे पर जा रहा है, किसी परीक्षा देने जा रहा है, तो उस दौरान भी ये स्कूल पास क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। जब कोई परिचर या घरेलू नौकर बच्चे के साथ भेजा जाता है, तो ऐसे वापसी यात्रा हेतु अलग से द्वितीय श्रेणी का जारी किया जाएगा। इस वापसी यात्रा पास को स्कूल पास से नहीं
नहीं हटाए, नहीं गिना जाएगा, उसको अलग से काउंट किया जाएगा। अगर मान लो आप खुद लेने जा रहे हो छोड़ने जा रहे हो, तो जाने का तो एक साथ हो गया, आने के लिए भी आपको फर्स्ट क्लास अलग से पास मिलेगा, वो आपसे नहीं काटा जाएगा ना स्कूल पास से काटा जाएगा। लेकिन आपको यदि कोई नौकर पहुंचा रहे हो या परिचारक को पहुंचा रहे हो, तो उस कंडीशन में जाने का तो उसके साथ जाएगा, लेकिन आने का उसको द्वितीय श्रेणी का पास अलग से दिया जाएगा। आरबी संख्या 104 2010 के अनुसार स्कूल प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र के आरंभ से वर्ष आरंभ में वर्ष में एक बार जमा किया जाना आवश्यक है। तो जो स्कूल प्रमाण पत्र होगा, जो स्कूल का प्रमाण पत्र कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है ताकि उसको स्कूल पास मिल सके, साल में एक बार जब सत्र आरंभ होता है तब उसको जमा करना होगा। अब अगला जो पास है वो है सेवानिवृत्ति पास। कौन सा पास है अगला? मानर्थ पास। रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्त के बाद जारी किए जाने वाले पास को मानर्थ पास कहते हैं। इसमें स्वयं परिवार के सदस्य तथा आश्रित विधवा माँ को भी शामिल किया जा सकता है। तो मानर्थ पास में भी सेम वही रहेगा, उसमें स्वयं भी यात्रा करेगा, परिवार के आश्रित सदस्य और आश्रित सदस्य और विधवा माँ भी शामिल होंगे। पास की श्रेणी कर्मचारी के सेवाकाल में पात्रता के अनुसार होगी। जब आप नौकरी में थे आपको जो पास मिलता था वही पास रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। कर्मचारी द्वारा की गई सेवा पर प्रतिवर्ष मिलने वाला पास निम्नलिखित होगा। आप जो भी सेवा करोगे उस सेवा के आधार पर आपके पास डिसाइड होंगे। जैसे कि कर्मचारी द्वारा की गई सेवा 20 वर्ष या अधिक होगी। अगर कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक सेवा करता है, अगर कर्मचारी कितने साल काम कर रहा है 20 साल या उससे अधिक की सेवा करता है, तो राजपत्रित कर्मचारी को 2 सेट प्रतिवर्ष मिलेंगे और अराजपत्रित कर्मचारी मतलब सी और डी ग्रुप को कितने मिलेंगे? 2 सेट। तो मतलब सिंपल सी बात यहाँ से क्लियर ये निकल के आती है कि मानर्थ पास या सेवानिवृत्ति पास उसी को मिलेगा जो कम से कम 20 साल की नौकरी करेगा। जिसने 20 साल की नौकरी नहीं किया है उसको कोई पास नहीं मिलेगा। राजपत्रित कर्मचारी को तो है तो 3 सेट मिलेंगे, और ग्रुप सी और ग्रुप डी है तो उसको कितने सेट मिलेंगे? 2 सेट पास मिलेंगे। मानर्थ पास पर सहचर की सुविधा। परिचर के स्थान पर सहचर की सुविधा 65 वर्ष से अधिक की वरिष्ठ नागरिक, मतलब उनकी उम्र यदि 65 साल से अधिक है तो परिचर के स्थान पर वह सहचर को साथ में ले जा सकता है। 70 वर्ष या अधिक की आयु में पास धारक को स्लीपर द्वितीय श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के किराए के अंतर के 1/3 राशि के भुगतान पर शताब्दी, राजधानी सहित अन्य गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति होगी। जैसे अगर वो 70 साल से ऊपर हो गया है तो एक परिचायक के साथ 1/3 किराए के साथ वो कहाँ पर यात्रा कर सकता है? आपका राजधानी शताब्दी गाड़ियों में भी यात्रा कर सकता है। जब पास धारक 70 वर्ष से कम आयु का हो का कोई परिवार का सदस्य यात्रा ना कर रहा हो। अब आगे कुछ है, थोड़ा बचा है, कुछ लाइनें और देख लो, ठीक है। निम्न परिस्थितियों में सेवानिवृत्त के पश्चात मानद पास जारी नहीं किया जाएगा। अगर देखो आपको मानद पास मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर आपको रिटायरमेंट के बाद मानद या रिटायरमेंट पास नहीं मिलेगा। सबसे पहली परिस्थिति क्या है? सेवा से बर्खास्त कर्मचारी। यदि आपको सेवा से बर्खास्त किया गया, अगर आपको क्या किया गया, सेवा से बर्खास्त किया गया है, तो आपको कोई पास नहीं मिलेगा। 26/10/2005 को या उसके बाद सेवा से निष्कासित रिमूव कर्मचारी को नहीं मिलेगा। 20/1/2005 को या उसके बाद पेंशन या ग्रेजुएटी में 100% कटौती का दंड आरोपित कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी को ग्रेजुएटी में 100% कटौती का दंड मिला हुआ है तो उसको भी मानद पास नहीं मिलेगा। निम्न परिस्थितियों में सेवानिवृत्त के पश्चात मानद पास जारी किया जाएगा। किस किस परिस्थितियों में जारी किया जाएगा? सबसे पहली चीज 26/10/2005 को या उसके बाद सेवा से बर्खास्त अथवा निष्कासित कर्मचारी जिन्हें रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के नियम 65 के अनुसार अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया गया हो, तो अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किए जाने की तिथि से। अगर उसकी पोस्टिंग
26/2 2005 या उसके बाद में हुई है, ठीक है, के बाद उसको बर्खास्त किया गया है और उसको अनुकंपा भत्ता दिया जा रहा है तो उसको भी पास मिल सकता है। अगर अनुकंपा भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो उसको पास नहीं मिले। पास जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, भारतीय रेलों पर 5,000, 8,000 एवं उससे अधिक वेतन के उन प्रवर प्रवेक्षक जो अपनी स्थापना का सीधे एवं स्वतंत्र भार रखते हैं एवं श्रेणी के मानर्थ विधवा पास जारी हस्ताक्षर कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी ए मानर्थ पासों का राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी करेगा, ठीक है। मतलब वो ये 4,600 ग्रेड पे वाला कर्मचारी जो सुपरवाइजर रहेगा, जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट ऑफिस रहता है, वो आपको पास जारी कर सकता है और प्रथम श्रेणी का हमेशा राजपत्रित अधिकारी ही करे। पांचवा पास है विधवा पास। रेल कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा को जो पास दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधवा पास। यह 12/3/1987 से लागू है। यह पास किसी पास उसी रेल कर्मचारी की विधवा को जारी किया जाएगा जो 12/3/1987 को रेल सेवा में कार्यरत थे एवं इस योजना से अपना विकल्प नहीं दिया है। ऐसे रेल कर्मचारी जो 12/3/1987 के पहले सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं उनकी विधवा को इस योजना में एक बार 250 का भुगतान करके शामिल किया जा सकता है। देखो, विधवा पास किसको मिलेगा, जिसकी पोस्टिंग 1987 के बाद हुई है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग 1987 के पहले हुई है वो चाहे तो उनकी विधवा भी 250 रुपये जमा करके अपना पास चालू करवा सकती हैं। इस पास में कर्मचारी की विधवा, पात्र पुत्र पुत्रियां एवं आश्रित विधवा सास कर्मचारी की मां को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब जो विधवा पास होगा उसमें भी वही पुत्र पुत्रियां, आश्रित मां, विधवा मां, ये सब जाए हो जाएंगे। पास की श्रेणी कर्मचारी के सेवा काल के अनुसार होगी। कर्मचारी को जो पास मिलता था वही पास विधवा पास भी रहेगा। विधवा पास रेल कर्मचारी को प्राप्त होने वाले मानद पास के 50% तक दे होंगे। मतलब विधवा पास जो रहेगा कर्मचारी को प्राप्त होने वाले मानद पास, मतलब यदि कर्मचारी रिटायर हो गया होगा तो उसको जितने पास मिलते थे उसके आधे, मतलब 50% पास किसको दिए जाएंगे, विधवा पास के रूप में दिए जाएंगे। जब सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा की गई सेवा मानर्थ पास के लिए निर्धारित सेवा से कम पड़ती है तो ऐसी स्थिति में भी विधवा को एक सेट पास एक वर्ष के अंतराल पर दिया जाएगा। जैसे सपोज कोई कर्मचारी है जिसकी मृत्यु हो गई है और वो 20 साल नौकरी नहीं कर पाया, कर उसको मानर्थ पास के लिए कितने साल नौकरी करना है, 20 साल, तो जब वो पूरा नहीं कर पाया है इस कंडीशन में उसकी विधवा को भी एक सेट पास दिया जाता है जो 2 साल के अंतराल में मिलेगा। मतलब 1 साल के अंतराल, 1 साल मिलेगा फिर 1 साल के बाद फिर अगले साल मिलेगा, 2 साल में एक मिलेगा। अब निम्नलिखित कंडीशन है जिसके आधार पर विधवा पास जारी नहीं रहेगा। जब विधवा स्वयं रेलवे में सेवारत हो अथवा अनुकंपा के आधार पर अपना आश्रित की नियुक्ति हो जाने पर उसके पास में शामिल होकर पुनर्विहंग। अगर कोई विधवा है उसको अनुकंपा नियुक्ति मिल गई या उसके आश्रित उसके लड़के को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई तो फिर उसको विधवा पास नहीं मिलेगी। विधवा अपने पुत्र पुत्री द्वारा लिए जाने वाले पास में आश्रित विधवा माँ के रूप में शामिल होने या अपनी पात्रता के अनुसार विधवा पास लेने के लिए एक बार में अपना विकल्प दे सकती है। तो जब वो भर्ती होगा उसका लड़का, अगर खुद हो गई तो नहीं मिलेगा, लेकिन लड़के को यदि नौकरी मिल रही है अनुकंपा नियुक्ति तो वो अपना विकल्प दे सकती है कि मुझे विधवा पास चाहिए कि लड़के के साथ चाहिए, ठीक है। अगला जो छठवा है, सेकेंड लास्ट, वो है आवासीय पास। आवासीय पास मतलब आवास से घर, घर से मतलब कार्य क्षेत्र से जो पास होगा। कार्यस्थल से दूर किसी अन्य स्थान पर रहने वाले रेल कर्मचारी को आवासीय पास प्रदान किया जाता है। अपने रहने के स्थान से ड्यूटी पर जाने आने के लिए दिया जाएगा। स्थानीय दूरी के प्रतिबंधों के अधीन, स्थानीय जो दूरी है उसके प्रतिबंधों के अधीन ये दिया जाएगा।
सुविधा पास के पात्रता की श्रेणी का, मतलब जिस श्रेणी का आपको सुविधा पास मिलता है उसी श्रेणी का आपको ड्यूटी आवासीय पास भी दिया जाएगा। अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। ये जो आवासीय कार्ड पास होता है इसकी लिमिट क्या होती है, एक साल। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चेक पास की वैधता कितने समय तक होती है, तो 30 दिन। कार्ड पास की वैधता कितनी होती है, तो एक साल। रेल कर्मचारी को शारीरिक अशक्तता के आधार पर प्रथम श्रेणी का आवासीय कार्ड पास चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण पत्र पर अधिक किया जा सकता है। अगर कोई रेल कर्मचारी शारीरिक रूप से अशक्त है तो उसको आवासीय कार्ड पास प्रथम श्रेणी का दिया जाएगा, ठीक है, किसके आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। अब लास्ट जो पास है वो है विशेष पास। कौन सा पास है, विशेष पास। अब विशेष पास क्या है भाई, रेल प्रशासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में जो पास जारी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विशेष पास। जैसे गंभीर रूप से घायल असाध्य रोग से पीड़ित रेल कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर जो पास दिया जाएगा, जैसे सपोज कोई बीमार है, अब हॉस्पिटल में गया, उसको अब यहाँ से कहीं और रिफर किया जा रहा है, तो जो हॉस्पिटल द्वारा जो पास दिया जाएगा वो कौन सा पास रहेगा, विशेष पास रहेगा। जैसे और दूसरी कंडीशन क्या है, खेल कूद के लिए कहीं जा रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उस वक्त में जो आपके लिए पास जारी होगा वो भी कौन सा होगा, विशेष पास होगा। मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी को मीटिंग में भाग लेने के लिए जो पास मिलता है वो भी क्या होता है, विशेष। जैसे कोई मान्यता प्राप्त यूनियन है, उसके पदाधिकारी हैं, अब वो मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या मिलता है, उनको पास मिलता है। तो किसके तहत मिलता है, विशेष पास। रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति कर्मचारी हित निधि के कर्मचारियों को भी क्या मिलता है, विशेष पास दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को विशेष परिस्थितियों में, जैसे जो ट्रेनिंग में है तो उनको भी विशेष परिस्थितियों में विशेष पास दिया जाता है। रेल कर्मचारियों को स्काउट गतिविधियों में, रेलवे कर्मचारी जो स्काउट गतिविधियों में कहीं मूवमेंट करते हैं, तो उनको भी क्या मिलता है, विशेष पास दिया जाता है। जांच अधिकारी के रूप में नामित सेवानिवृत्त अधिकारी को भी, अगर कोई जांच अधिकारी के रूप में कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी है और उसको जांच अधिकारी बनाया गया है, तो उसका जो भी मूवमेंट होगा तो भी उसको भी क्या मिलेगा, विशेष पास दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी विधवाओं को एक सहचर के साथ यात्रा करने की अनुमति, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी है या उनकी विधवा है उनको एक सहचर के साथ यात्रा करने की जो अनुमति दी गई है वो भी किसके तहत देंगे, उसको विशेष पास। जब भी रेल प्रशासन उचित समझे किसी भी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी का जारी कर सकती है, जब भी रेलवे रेल प्रशासन उचित समझे, जब भी रेल प्रशासन को लगता है कि इसको ये पास मिलना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी का जो पास है